सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और वणक्कम। वेलकम टू आवर शो मूवी रिव्यू इन हैदराबाद। मैं हूं आपका होस्ट ठाकुर हनी सिंह। तो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं पानीपत। तो ये मूवी के राइटर है अशोक चक्रधर, डायरेक्टर आशुतोष गोवारीकर, प्रोड्यूसर सुनीता गोवारीकर और रोहित सिलदकर। कास्ट में है अर्जुन कपूर, कृति सैनन और अपने जाने माने संजू बाबा। और रही बात ये मूवी के जॉनर की, तो हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा और 3 घंटे की मूवी। स्टोरी के बारे में बात करें तो अपन अपने बचपन में स्कूल में सोशल स्टडीज के किताबों में पढ़े से होंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई। हिस्ट्री में इधर उधर सुने भी होंगे कि भाई पानीपत में लड़ाई हुई थी जो अपने सदाशिव राव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। बल्कि भाई मैं ट्रेलर देख के ये उम्मीद से पिक्चर देखने गया था कि मेरे को पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेंगी, कैसा हुआ था, कहीं को हुआ था, क्या करे थे क्या नहीं करे थे, किस वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हुई जहाँ पे इतने लोगों का नुकसान हुआ, इतने लोगों की मौत हुई। पिक्चर को गए तो भाई 1.5 घंटा सदाशिव राव और पार्वती बाई के बीच की आशिकी दिखा रहे। भाई क्या कर रहे, दुनिया का पैसा सेटों पे लगा है। आर्ट डायरेक्टर को भाई पहले सलाम मारता हूं मैं, इतना प्यारा आर्ट लोकेशन सेट करके डिजाइन करके सब करके लाके आपके हाथ में दिए, तो आप क्या करें? आशिकी आप बता रहे, लॉर्ड बना कर रहे भाई, पूरे एक्सपेक्टेशन पे पानी फेर दिया, गलत है ये। खैर भाई छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। तो अपन फेवरेट सीन की बात करेंगे तो भाई इंटरवल के बाद क्लाइमैक्स से जरा पहले एक जबरदस्त सीन है जहां पे जंग छिड़ गई सो है, लोग ऑलमोस्ट ऐसा एक दूसरे को दे देने वाले थे। मराठा लोगों का फॉर्मेशन, स्क्वायर शेप का फॉर्मेशन बना के अफगानियों को हराने के लिए निकलते। भाई क्या जबरदस्त फॉर्मेशन, ये देख के अपने अफगानिया भी किरा, हाँ इन लोगों का भी किसको भी ना सुनता हूं, बल्कि ईद के चांद का फॉर्मेशन बना के कूद जाते। अब खैर उसके बाद में जंग छिड़ती, मारापीटी होती, खत्म, खून खराबा जिधर के उधर खत्म, अफगानिया जीत जाते, वो अलग बात है, वो आप लोगों को फिल्म क्या है देखे तो समझ में आएगा। मगर ये सीन देखने के बाद दिल बोला माशाल्लाह क्या जबरदस्त सीन है। तो बात करेंगे कैरेक्टर परफॉर्मेंस और फेवरेट एक्टर की। तो भाई मेरे को पिक्चर देखने के बाद में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं दिखा कि भाई इन्हें ये रोल को जस्टिफाई करा या ये पिक्चर के लिए ये एक्टर बना था। तो पहले मैं कास्टिंग डायरेक्टर साहब से ये बोलना चाह रहा हूँ, भाई क्या सोच के एक्टरों को सिलेक्ट करें, आपको कैरेक्टर ऑडिशन वगैरह नहीं करते क्या? मतलब ऐसी नाम को आया ले लिया, मुंह को आया बोल दिया बस इतच। खैर छोड़ो, जो भी हुआ हुआ। मगर एक ऐसा कैरेक्टर था जो मेरे को लगा कि भाई ये इंसान ये कैरेक्टर को जस्टिफाई करा, वो है निजाम सल्तनत का तोपेबाज नवाब शाह साहब इब्राहिम खान गर्दी का कैरेक्टर। बहुत प्यारा निभाया कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर पूरी पिक्चर में मेरे को जबरदस्त दिखा, बाकी पूरे ठंडे। तो चलो अपन रेटिंग की बात करेंगे तो आईएमडीबी के हिसाब से 6 out of 10, बॉलीवुड हंगामा 3 out of 5, न्यूज 18 2.5 out of 5 और टाइम्स ऑफ इंडिया 3.5 out of 5। और रही बात मेरी रेटिंग की, तो भाई मैं इतना एक्सपेक्टेशन रख लेके गया हूँ पिक्चर को देखने की, भाई हिस्टोरिकल मूवी है, ये है, फलाना है, बोल के इतने उम्मीद रख लेके गया हूँ, लेकिन मेरे पूरे उम्मीदों पे पानी पत डाल दी। तो मैं तो 2 out of 5 दूंगा। आपको कई को दिया, अगर जस्टिफाई होना है तो आप जाके पिक्चर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं इतनी कम रेटिंग कई को दिया और मेरे को पिक्चर अच्छी कई को नहीं लगी, तब आप सोचेंगे कि हाँ भाई ये बंदा सही रेटिंग दिया। खैर भाई तो ये है आज का रिव्यू पानीपत के बारे में। उम्मीद है आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। चलो तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले जुम्मे के दिन। खुदा हाफिज़।